हेलो देवी और देवताओं, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका राणा डिजाइनर चैनल पर, जिसमें आज हम आपको दो चीज बताएंगे। पहला, कुर्ती का नाप कैसे लेते हैं, और दूसरा, कुर्ती का नाप लेकर कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं। सब्सक्राइब करें राणा डिजाइनर चैनल को, सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ये है हमारी कुर्ती जिसको हम कटिंग करेंगे। ये है हमारा नाप का कुर्ती जिसका हम नाप लेंगे। तो इसको पहले हम पलटा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको पलटा लिया। अब हम इसका नाप लेंगे। हमारी इस कुर्ती की लंबाई है 37 और चाक है इसका 21 इंच। कुर्ती की बाजू की लंबाई है 16 इंच। और मोरी है 4.5 इंच। फ्रंट नेक की लंबाई है 6 इंच। और बैक नेक की लंबाई है 6.5 इंच। इसका तीरा है 2.5 इंच। अब हम फिटिंग का नाप लेंगे। ये देखिए, चेस्ट है 15 इंच और कमर है 14 इंच, और हमारा हिप है इसका 17 इंच। ये है कुर्ती का कपड़ा जिसकी हम कटिंग करेंगे। इसको हम बीच में से अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको बीच में से अलग कर लिया है। कपड़े को प्रेस करके हम सही से बिठा लेते हैं। कपड़े को अब हम बीच में से फोल्ड कर लेते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। तो ये देखिए, हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इस फोल्ड किए हुए कपड़े पर प्रेस मारकर हम इसको सही से बिठा लेते हैं। ये देखिए, हमने प्रेस करके कपड़े को अच्छे से बिठा लिया है। कुर्ती कटिंग करने के लिए अब हम इस पर नाप डालेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम 6 इंच लेंगे और फिर यहाँ से 7 इंच लेंगे। और फिर यहाँ से 14.5 इंच। और फिर यहाँ से हम 21 इंच लेंगे। और लंबाई है हमारी इसकी 37 इंच। तो हम 37 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हम फालतू लेंगे ताकि हमारा दबाव में पड़ जाए। और नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम ताकि वो हमारा दबाव में पड़े। ये देखिए, चेस्ट का हमने नाप लिया था 15 इंच, तो उसका आधा होता है 7.5। तो 7.5 पर निशान लगाएंगे हम। और कमर है 14 इंच, तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप है 17 इंच, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आजकल हिप के बराबर ही नीचे घेरा होता है, तो हम उसी के हिसाब से नीचे भी निशान लगाते हैं जितना हमने हिप बनाया है। तो हिप बनाया हमने 8.5 इंच, तो नीचे भी हम 8.5 इंच पर निशान लगाते हैं। आप ऐसे स्केल का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो ये देखिए, हमने इस पर निशान लगा लिया है।
फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अब बाजू के लिए हम यहाँ पर गोलाई डालते हैं स्लीव। हारमोन के लिए हम यहाँ पर गोलाई डालते हैं। अब कुर्ती की कटिंग करते हैं। अब ये देखिए, हमको आप जो भी कपड़ा कटिंग करते हैं साइड में आपको मार्जिन रखना ही चाहिए, तो इसमें भी हम मार्जिन रखेंगे। साइड में हम 2-2 इंच पर डालकर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर बताएं। जो आपने नाप ऊपर लगाया था, नीचे से भी हाथों की मदद से उसको निशान लगा लीजिए। हल्का सा चौक से निशान दीजिए और फिर इसी निशान से निशान मिलाकर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, दूसरे साइड भी हमने इसका निशान लगा लिया है। अब स्केल की मदद से हम इसको लाइन को डार्क ड्रॉ कर देंगे। कुर्ती का फ्रंट का पल्ला तैयार है। अब हम बैक का पल्ला कटिंग करेंगे। कपड़े पर हम पहले बार प्रेस मार लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा सीधा हो जाए और फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, बैक के पल्ले पर आप फ्रंट का पल्ला बिछा लीजिए। अब बैक के पल्ले पर अब हमने फ्रंट का पल्ला बिठा लिया है। अब हम इसको अच्छे से बिठाकर इसकी कटिंग करेंगे। ये प्रिंटेड सूट है तो हमें इसमें फूल का ध्यान रखना पड़ेगा और उसी की तरह कटिंग हमें करना पड़ेगा। ये देखिए, हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, हमने पूरे कुर्ते की कटिंग कर ली है। अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, बाजू की लंबाई 16 इंच तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, क्योंकि वो हमारा फोल्ड होगा। बाजू की लंबाई है 16 इंच तो हम 16 इंच पर निशान लगा लेंगे। और मोरी है इसकी 4.5 इंच तो 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे हम। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखें और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। ये देखिए, हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं तो आप बताइए कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल बटन को ऑन करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इस वीडियो को देखने के लिए कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।